दोस्तों क्या हुआ, एक बार मैं क्लास ले रहा था और बहुत ही इंटरेस्टिंग गणित पढ़ा रहा था, तो वैसे एक बच्चा खड़ा हुआ, बड़ा बदमाश सा बच्चा था। उसने कहा, सर आप मुझे एक बात बताइए, क्या आपका शादी हो गया है? तो मैंने कहा, बिल्कुल हाँ हो गया है। तो सर आप ये बताइए, शादी में आपने 7 फेरे लिए थी कि कितने? मैंने कहा 7 फेरे लिए थे। तो बस आप मुझे केवल ये बता दीजिए सर कि शादी में 7 फेरे ही क्यों होते हैं? अब ये बच्चा ने मुझे कहा, और वो भी आपको गणितीय विधि से सिद्ध करके बताना है। मैं बड़ा असमंजस में पड़ गया। भैया हमारा जब शादी हुआ तो हमारे महाराज ने जैसे जैसे कहा, 7 फेरे ले लो, ले लिया, काम खत्म, शादी हो गया। लेकिन उस बच्चे ने मुझे बड़े असमंजस में डाल दिया कि शादी के 7 फेरे को आप मुझे प्रूफ करके बताओ, वो भी गणितीय विधि से। तो आज मैं बहुत ही शानदार तरीके से आपको ये बताने वाला हूं। इसके लिए मैंने देखो कितना सारा रिसर्च किया हुआ है कि 7 फेरे ही क्यों लगते हैं शादी में। तो आइए इसको हम गणितीय विधि से सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। बड़ा ही इंटरेस्टिंग और मजेदार गणित है। तो अगर आपने ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है, उसको क्लिक करके, लाल दिख रहा है उसको काला कर दीजिएगा, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को टच करना ना भूलेगा, ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ करने से पहले मैं आपको 7 के कुछ ऐसे फैक्ट बताने वाला हूं जो बहुत ही शानदार है। कैसे, देखिए, जैसे आप सब जानते हैं कि मैं इतने सारे 7 लिखा है, कम से कम 7 बार तो लिखा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, क्या इतने ही, इससे कई गुना 7 के फैक्ट हैं जिसको आप ढूंढने बैठोगे ना तो आपका पूरा कॉपी भर जाएगा। जैसे आपने सुना होगा 7 अजूबा भी तो होता है, लेकिन हम उसकी बात नहीं करते, केवल इतने की बात करते हैं। फिर हम आपको सिद्ध करके बताएंगे कि शादी में 7 फेरे ही क्यों होते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले 7 समुद्र होता है, आपने सुना होगा, बिल्कुल सुना होगा। यहां पर देखिए 7 द्वीप, और ये मुझे 7 द्वीप कैसे याद आया पता है? हाल ही हम लोग पढ़ते हैं, मैं पिछले 18 सालों से, है ना, पिछले 18-19 सालों से गांव में रावण, जी हाँ रावण का रोल करता हूं। नहीं समझ आ रहा है ना, तो क्या आप मेरा गेटअप देखना चाहते हैं रावण वाला? ये देखिए, तब मैं एक वार्ता बोलता था कि 7 दीप नौखंड कर जोरे रहत है, किन्ह का मिताई कहूं शत्रुताई चहूं ओर। मतलब रावण भी कहता है कि 7 दीप है, 7 दीप, यहां पर 7 द्वीप भी आ गया। हाँ, और आप सबको दशहरा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। यहां पर देखिए फिर 7 दिन होता है, बताने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 7 जन्म का जो 7 है वो बड़ा फेमस है, इसका तो गाना भी फेमस है, 7 जन्म, ये गाना आप गा लीजिएगा, मैं केवल आपको हिंट बस दे रहा हूं। उसके बाद देखिए सप्तऋषि भी फेमस है, जब आप आसमान की ओर देखते हैं तो आपको एक दिखता होगा, है ना, चौकोर, फिर वो 3 और, तो 4 और 3 7, वो सप्तऋषि कहा जाता है ना। उसी प्रकार कांड, रामायण में कितने कांड प्रसिद्ध है? 7 कांड ही तो प्रसिद्ध है ना, जिसे आप लोग बिल्कुल जानते हैं। फिर यहां पर देखिए मैंने यहां पर ये क्यों लिख रखा है, 7 दिन तक, भाई आपने सुना होगा जब हम श्री कृष्णा, है ना, कृष्ण के बारे में जानते हैं, तो कृष्ण ने 7 दिनों तक अपने कनिष्ठिका उंगली में गोवर्धन पर्वत को उठाया था। कितने दिनों तक उठाया था? 7 दिनों तक, है ना, इसीलिए तो उनको 7 दिनों के हिसाब से 8 पहर होता है, 1 दिन में 8 पहर। और जब तक उसने उठाया रखा तब कुछ नहीं खाया, भूखे प्यासे, इसका मतलब यह है 8, और कृष्ण भगवान का 8 पहर खाने का आदत है, 8 पहर खाना, तो उसको 8 पहर के हिसाब से उनको खिलाया गया। तो 8 × 7, 7 दिन तक के हिसाब से 8 पहर, तो 8 × 7 = 56, इसलिए कृष्ण को 56 भोग लगाया जाता है। लेकिन आज हम इसके बारे में चर्चा नहीं करने वाले, हम केवल चर्चा करने वाले हैं शादी में 7 फेरा ही क्यों होता है। उस बच्चे का जवाब मुझे देना है ना कि शादी में 7 फेरा ही क्यों होता है, वो भी गणितीय विधि से। तो चलो कोशिश करते हैं। भाई अगर हम 1 फेरा लगा लें, 2 फेरा लगा लें, 3 फेरा लगाएं, 4 फेरा लगाएं, 5 फेरा लगाएं, या फिर 6 फेरा लगाएं, 7 फेरे की बात बाद में करेंगे, क्योंकि 7 फेरा तो होता ही है, किसी का 6, 5, 4, 3, 2, 1 से 1 फेरा नहीं होता है। अब देखिए यहां पर क्या करना है, मुझे इन तीनों संख, इन सभी संख्याओं का क्या निकाल लेना है, एलसीएम निकाल लेना। देखिए इंटरेस्टिंग तरीके से बता रहा हूं, बहुत ही शानदार आज का वीडियो होने वाला है, और निश्चित रूप से आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक तो करना ही करना है। ये देखिए इनका मुझे लघुत्तम समापवर्त तक लेना है, तो 1 का तो लेने की आवश्यकता नहीं होता है, तो हम यहां पर लिखेंगे 2, ठीक है, गुना करेंगे 3 से। फिर 4 है,
दो तीन और चार का मुझे लघुत्तम समापवर्त तक लेना है तो मुझे यहां पर पूरा चार लिखने की आवश्यकता नहीं, केवल दो लिख दूंगा। और ऐसा एलसीएम निकालने का ट्रिक मैंने कई बार अपने वीडियो में बताया है। तो देखिए, दो तीन छह, छह दूनी बारह, ये तीनों संख्याओं का क्या है, वो एलसीएम है। फिर यहां पर पांच लिख देंगे, हो गया। फिर देखिए यहां पर इसको गुना, इतना आप गुना कर देंगे ना, जैसे गुना करता हूं, दो तीन छह, छह दूनी बारह और बारह पंचे साठ, ठीक है। तो यहां पर आ गया साठ। अब इसको आप फिर से गुना कर सकते हैं छह से, ठीक है, छह से गुना करें। ध्यान दीजिएगा, ये जो संख्या है साठ जो है, दो तीन छह, छह दूनी बारह और बारह पंचे साठ, ये पांच तक की संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक है। लेकिन इसको यदि हम और गुना कर दें, किससे गुना कर दें, छह से गुना कर दें। ध्यान दीजिएगा, ये हो गया छह से गुना, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा 360। अब ध्यान दीजिए, जब भी कोई व्यक्ति फेरा लगाता है, आप सभी जानते हैं फेरा लगाया जाता है, तो चलो यहां पर दो गड़े हुए हैं, इनका फेरा लगाना है, तो व्यक्ति यहां से चलना प्रारंभ करेगा, वो किसी भी दिशा में ऐसा फेरा लगाएगा, तो जब वो पुनः अपने जगह में आता है तो कितने अंश का कोण बना लेता है जी, यहां से घूमना प्रारंभ किया, ऐसे घूमना प्रारंभ किया और पूरा चक्कर लगाया, तो एक चक्कर लगाने में कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का कोण बनता है 100%। ये देखिए 360 कैसा, अगर वो एक फेरा लगाता है, दो फेरा लगाता है, तीन फेरा लगाता है, चार लगाता है, पांच लगाता है, छह फेरा लगाता है, मान ले जाए वो इस प्रकार फेरा लगाता है, इसको मैं मिटा देता हूं थोड़ा से, ये देखिए इसको हम मिटा देते हैं, अगर वो छह फेरा तक लगाता है, तो छह फेरा लगाएगा तो एक फेरे में कितने अंश का कोण बनता है, 360 अंश का, तो वो छह फेरा तक लगाएगा। इसको यदि हम छह से भाग दें, अगर मैं दो से भाग दूंगा तो भाग जाएगा, भाग देने का मतलब विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, विभाजित हो रहा है, टूट जा रहा है, ध्यान देना, टूटना, टूट जा रहा है। तीन से भाग देंगे टूटेगा, चार से भाग देंगे टूटेगा, पांच से भाग देंगे टूटेगा, मतलब भाग जाएगा, छह से भाग देंगे तब भी टूटेगा, भाग जाएगा। लेकिन शादी में छह फेरा नहीं लगवाया जाता है, सात फेरा लगवाया जाता है। ये जो 360 है भैया, इसको आप सात से भाग दीजिए, सात से भाग नहीं जाएगा, मतलब 360 जो है, ये जो फेरा लगवाया जाता है 360 उसका जो कोण बनता है, उसको एक दो तीन चार पांच छह फेरा न लगा करके सात फेरा लगाया जाता है, क्योंकि ये जो 360 है ना, वो छह तक की संख्याओं से भाग जाता है, विभाजित हो जाता है, विभाजित, टूट जाना, रिश्ता नहीं टूटना चाहिए लेकिन टूट जा रहा है। लेकिन जैसे ही सात फेरा लगवाया जाता है, 360 जो है सात से विभाजित नहीं है, मतलब विच्छेदित नहीं होगा। ये गणित कहता है कि 360 जो है क्या होता है, सात से भाग नहीं जाता है। मैंने उस बच्चे को कहा, आप समझ आया कि 360 जो है सात से भाग नहीं जाता भैया, इसलिए सात फेरा लगवा दिया जाता है ताकि विच्छेद ना हो, विभाजित ना हो। दोस्तों, ये गणित को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने ऐसा कहा है, हालांकि ये कोई नियम नहीं है कि सात फेरा ऐसा ही लगाया जाता है। मुझे उसने कहा था कि गणितीय विधि से सिद्ध करिए, मैंने गणितीय विधि से सिद्ध कर दिया। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो नीचे चैनल का लोगो दिखाई दे रहा है, उसको क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बगल में दो शानदार वीडियो दिखाई दे रहा है, उसको जरूर देखिएगा, बहुत ही मजेदार वीडियो है। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।